और अब रुक करते हैं बड़ी खबर का। यूपी में रामचरितमानस पर मचे महाभारत के बीच समाजवादी पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली दोनों पार्टी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सपा ने रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह को निष्कासित कर विरोध करने वालों को संदेश दिया। वहीं अखिलेश ने भी इशारों-इशारों में अपने टीवी पैनलिस्ट को सांप्रदायिक मुद्दों पर बोलने से बचने की नसीहत दी है, जो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को संदेश देने की कोशिश है। माना यह जा रहा है कि स्वामी के विवादित बयान का विरोध करने वाली नेताओं को निष्कासित किए जाने का भी पार्टी में विरोध हो सकता है। तो रामचरितमानस को लेकर लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि विवादित बयान दे रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के दो नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ऋचा जी, जो फैसला पार्टी ने लिया है, क्या कहना है आपका? देखिए, चूंकि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की 128 साल में पहली महिला अध्यक्ष हुई और ये पहला निष्कासन नहीं है जब मेरा हुआ है। जब जब मैंने न्याय के खिलाफ और अन्याय के विरोध में आवाज़ उठाई है, तब तब मुझे निष्कासन का जो है सामना करना पड़ा है। अफसोस मुझे इस बात का है कि समाजवादी पार्टी जो कि लगातार लोकतंत्र बचाने की बात कर रही है, ऐसे में समाजवादी पार्टी ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया। मुझे कोई कारण बताओ नोटिस नहीं जारी किया गया, मुझे किसी अनुशासनहीनता का कोई जवाब नहीं मांगा गया, क्योंकि मेरी तरफ से कभी पार्टी के प्रति कोई अनुशासनहीनता की नहीं गई। ऐसे में उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को धत्ता करते हुए एक महिला नेता को इस तरीके से, दो महिला नेताओं को पार्टी से इस तरीके से निष्कासित कर दिया जाना और उसका कारण ना बताया जाना, ये अपने आप में इस बात का द्योतक है कि किस तरीके से तानाशाही रवैये का पालन हुआ है। मेरा स्पष्ट ये स्टैंड था कि राम भारत की आत्मा में बसते हैं और मैं अपने स्टैंड से वापस नहीं जाऊंगी। तो अपने रामचरितमानस के मुखर स्टैंड की वजह से मुझे आज इस निष्कासन का सामना करना पड़ा है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तो वनवास झेला था, और अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रामचरितमानस के पक्ष में खड़ा होने पर अगर मुझे पार्टी का निष्कासन झेलना पड़ता है, तो मैं इसका सहर्ष स्वीकार करती हूँ। तो निष्कासित किए जाने के बाद अखिलेश यादव पर जमकर बरसी है ऋचा सिंह। उन्होंने कहा सपा का महिला विरोधी चेहरा सबके सामने आ चुका है, साथ ही कहा कि महिलाओं को बिना नोटिस के निष्कासित किया गया है। रामचरितमानस का समर्थन करने वालों को निकाला गया, वो यहीं पे नहीं रुकी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सपा ने राम का नाम लेने की वजह से निकाला है, उच्च जाति और महिला वर्ग होने की वजह से निकाला गया। अखिलेश ने अपना स्टैंड क्लियर यहां कर दिया है, अखिलेश को अपर कास्ट के वोट की कोई जरूरत नहीं है। और साथ ही ये भी कहा कि सपा अध्यक्ष महिलाओं का अपमान करने वालों के साथ है, मेरे साथ कोई घटना हुई तो सपा जिम्मेदार होगा इसके लिए, गेस्ट हाउस कांड की तरह रोली और ऋचा के साथ घटना ना हो, ये भी कहा उन्होंने। साथ ही कहा अखिलेश अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत भी दे। तो जमकर बरसी अखिलेश यादव पर ऋचा सिंह निष्कासित किए जाने के बाद। अब देखिए सपा से निकालने पर क्या बोली रोली मिश्रा ने, क्या कहा ये भी आप जान लीजिए। स्वामी प्रसाद के साथ खुलकर खड़े अखिलेश यादव ये कहती हुई नजर आई और साथ ही कहा कि दो महिला नेता पर कार्रवाई से ये साफ हो चुका है कि उनका चेहरा महिला विरोधी है, सपा में कोई अलग ध्रुव दिखा तो कार्रवाई होगी। सपा को मंजूर नहीं कि कोई स्वामी के खिलाफ खिलाफत करे या कोई भी उनके खिलाफ बोले। सपा में स्वामी को अब खुलकर बोलने के संकेत, ये भी कहा गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य को खुलकर बोलने के एक तरीके से संकेत ये है। अब सपा से निष्कासन के बाद रोली मिश्रा का ट्वीट भी सामने आ चुका है, क्या ट्वीट उन्होंने किया अब ये भी आप देख लीजिए। 16 वर्षों की निष्ठा के इस पुरस्कार के लिए आभार, आदरणीय अखिलेश यादव को यहां पर टैग उन्होंने किया है और साथ ही कहा कि राष्ट्रद्रोहियों, सनातन धर्म विरोधियों, रामद्रोहियों के खिलाफ आवाज उठाती थी, उठाती रहूंगी। सनातन धर्म के स्वाभिमान प्रभु श्री राम चरितमानस के सम्मान के लिए ऐसे हजारों निष्कासन स्वीकार है। ये ट्वीट किया गया रोली मिश्रा की तरफ से, अखिलेश यादव पर सीधा निशाना उन्होंने साधा है। यहाँ पर ट्वीट करके कहा कि जिस तरीके से जो हमें निष्कासित यहाँ पर किया गया है, ये पुरस्कार हमें दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जिस तरीके से मोर्चा उन्होंने खोला था, ये ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब यहाँ पर ऋचा सिंह और रोली तिवारी दोनों ही सामने आ चुकी है और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि महिला विरोधी चेहरा समाजवादी पार्टी का वो सामने आ चुका है, अखिलेश यादव का सामने आ चुका है और सीधे संकेत दे दिए गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को कि वो खुलकर बोल सकती हैं, ऐसा ये कहा जा रहा है रोली मिश्रा की तरफ से। ऋचा सिंह की तरफ से ये ट्वीट आपके सामने, 16 वर्षों से मैं पार्टी में थी और मुझे ये पुरस्कार दिया गया है निष्कासित करके, और श्री राम पर बोलने का, रामचरितमानस पर बोलने को लेकर के। तो रोली मिश्रा का ये ट्वीट आपके सामने है रोली की तरफ से जिस तरीके से ट्वीट किया गया। इसके बाद अब उन्होंने ये कहा कि 16 सालों से मैं पार्टी में रही हूँ, लेकिन मुझे ये पुरस्कार के तौर पर मिला है कि पार्टी से मुझे निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने
रामद्रोहियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। अनुभव शुक्ला लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, रामचरितमानस को लेकर लगातार सियासत तो जारी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर ही देखा जा रहा है अब आपस में ही कलह हो रही है पार्टी में। तरीके से ये पूरा विवाद शुरू हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद से, और अब कल ही अखिलेश यादव की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है, और उसमें साफ तौर पर कहा जाता है कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, टीवी पैनलिस्ट हैं, अन्य लोग हैं, वो धार्मिक मुद्दों पर बोलने से बचें। यानी कहीं ना कहीं एक संदेश था स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी। नाम नहीं लिया गया था, लेकिन ये ज़रूर कहा गया था कि हम समाजवादी पार्टी के लोग ये बताएं कि लोहिया जी के क्या सिद्धांत, क्या विचार रहे, हमें किसी धार्मिक जो ये डिबेट हो रही है उसमें नहीं उलझना, ना ही उस पर बात करनी है। और उसके कुछ देर के बाद एक और पत्र जारी किया जाता है और ऋचा सिंह को और रोली तिवारी मिश्रा दोनों को निष्कासित कर दिया जाता है। उसके बाद आप देखिए एक तरीके से डिवीजन दिख रहा है समाजवादी पार्टी में। जिस तरीके से ऋचा ने जो बात कही या फिर रोली तिवारी मिश्रा जो बात कह रही हैं, वो कह रही हैं कि भाई समाजवादी पार्टी को अगलों के साथ की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने दो महिलाओं को निष्कासित किया है, बीजेपी को भी एक मुद्दा मिल गया है। बीजेपी कह रही है कि देखिए वहाँ पर महिलाओं का सम्मान नहीं है, जो आधी आबादी है उसका सम्मान नहीं करते। तो कहीं ना कहीं जो फैसला समाजवादी पार्टी ने लिया है, अब किस तरीके से आगे, क्या इस पर और भी कोई लीडर कुछ कहेगा, या फिर पार्टी के भीतर जिस तरीके से अगर हम कहें ये कहीं ना कहीं एक घमासान सा मचा हुआ है, इसको कैसे अखिलेश यादव रोकेंगे, कैसे इसको समाप्त करेंगे, ख़त्म करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि देखिए अभी प्रदेश कार्यकारिणी की भी घोषणा होनी है, उसके बाद माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं वो भी अप्रैल या मई में होंगे। अभी 5 MLC की चुनाव हुए, वहाँ पर समाजवादी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं समाजवादी पार्टी के सामने, और उससे पहले अगर पार्टी में इस तरह का घमासान मचा हुआ है, फिर 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे, इसी तरह की अगर स्थिति रही, खुद पार्टी में अगर आपको डिवीजन देखने को मिलेगा, तो फिर उससे कहीं ना कहीं पार्टी की तैयारियों को भी काफ़ी नुकसान होता है। कोई भी पार्टी हो, अगर इस तरह की बातचीत शुरू हो जाए या फिर उस पार्टी में भीतर ये कहा जाए कि भाई यहाँ पर तो अगलों का सम्मान नहीं, किसी एक समुदाय का, किसी एक वर्ग का अगर सम्मान नहीं की बात होगी, तो उसका असर चुनाव में पड़ता है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैसे ये जो विवाद अब शुरू हुआ है निष्कासन के बाद, उसको कैसे रोकते हैं, उसको कैसे खत्म करते हैं। बिल्कुल अनुभव, जब अभी से ही पार्टी के अंदर एक दूसरे के खिलाफ नेता नजर आ रहे हैं, 2024 में किस तरीके से जीत पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल यहां बना हुआ है। बहुत शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।